हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया हो गए अपनी पढ़ाई लिखाई। आप लोग बहुत ही मस्त तरीके से, झक्कास तरीके से कर रहे होगे। तो बेटा पढ़ाई साथ में आगे बढ़ते हुए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो एग्जाम में आने की प्रॉबिलिटी देखो, एनसीईआरटी क्वेश्चन है तो सीबीएसई बोर्ड में, तो भाई सीबीएसई बोर्ड भी आपके एनसीईआरटी पैटर्न पर ही तो होता है। तो मतलब एनसीईआरटी बुक चलती है ना सीबीएसई बोर्ड में, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों पेपर के लिए, मतलब सीबीएसई बोर्ड के लिए भी है और यूपी बोर्ड में तो आ ही सकता है। भाई मान लो दे देगा तो आप बोलोगे सर ये हमको नहीं चाहिए, हम नहीं कर पाएंगे ना, आपकी वहां पर सुनी जाएगी। तो बेटा पहला क्वेश्चन कह रहा था, वो दो पार्ट दो क्वेश्चन है, तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले यहाँ पर है, हम लोग यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आंसर फर्स्ट मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है इफ टू जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल, ये आपके बेटा पॉलीनोमियल दिख रही है ठीक। तो यहाँ देखो जो हमको पॉलीनोमियल दे रखा है, हमसे नहीं बोला क्यूबिक है या क्वाड्रेटिक है। तो मैं आपको ये भी नहीं बता रहा हूँ इसमें वेरिएबल की पावर 3 है, तो वो क्यूबिक पॉलीनोमियल ही होगा। आप लोग खुद बताओगे ना, मैंने आपको नहीं बताया है कि डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल इतना होता है, अगर 3 होगा तो क्यूबिक हो जाएगा और 2 होगा तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, 1 होगा तो आपका लीनियर पॉलीनोमियल आपका हो जाएगा, है ना, हो जाएगा। अब यहाँ देखो इधर भाई पावर 3 है, तो आप लोग बोलोगे सर ये तो क्यूबिक पॉलीनोमियल शक्ल लग रही है। तो हाँ बेटा ये आपका क्यूबिक पॉलीनोमियल है, मैंने नहीं बताया, ये सब आपके मन में चल रहा था, मैंने आपकी मन की बात यहाँ बताई है। इसको दो जीरोज यहाँ दे रखे हैं, तो हम मानेंगे अल्फा कितना आपका हो जाएगा, अल्फा आपका अंडर रूट 3 हो जाएगा, और बीटा कितना हो जाएगा, माइनस का अंडर रूट 3 हो जाएगा। ये मैंने कुछ नहीं किया है, क्वेश्चन की डिमांड है। कह रहा है इफ टू जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल एफएक्स, मतलब ये आपको पॉलीनोमियल दे रखा है, इसके दो जीरो हमको दे रखे हैं, फलाना फलाना ये हमको दे रखा है। कह रहा है देन कह रहा फाइंड इट्स थर्ड जीरो, इसे हमें तीसरा जीरो निकालना है। तो ध्यान देना क्यूबिक पॉलीनोमियल में 3 जीरो आपके होते हैं, अल्फा बीटा गामा, तो गामा की वैल्यू यहाँ पर हमको निकालना है। तो गामा को अगर हम बेटा गामा को हम एक्स मान लें कोई दिक्कत, ये तो वहाँ गामा से लिख के लगा था ठीक है। तो बेटा गामा को हम लोग यहाँ पर एक्स मान लेंगे, हमको एक्स वैल्यू मिल जाएगी, हमारा काम यहाँ पर हो जाएगा। तो देखो अगर यहाँ बात करते हैं सम ऑफ जीरोस की बात करते हैं, सम ऑफ जीरोस, बेटा आप लोग क्या करा करो, आप लोग फॉर्मूले जैसे कोई भी क्वेश्चन में, जैसे कभी अभी मैं बच्चों की जब कॉपी देखता हूँ ना, उसमें बच्चे क्या क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखना भूल जाते हैं, सिर्फ सॉल्व कर देते हैं। इससे बेटा इसका एग्जामिनर मतलब जो कॉपी चेक करता है ना, उसका इम्पैक्ट बहुत गलत पड़ता है। तो अब फॉर्मूले साइड में आप लोग इसे फॉर्मूले लिखो, जैसे आपने फॉर्मूला लिखा सम ऑफ जीरो सी बात करते हो, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लगाओगे इसमें, तो माइनस का बी अपान का ए हो जाएगा। तो भाई लिखने में क्या जाता है आपका, है भाई अगर आपके पास टाइम हो तो यहाँ पर क्यूबिक, ये आपका क्यूबिक पॉलीनोमियल का आप क्या करो, उसका एक्सटेंडेड फॉर्म यहाँ पे लिख दो, क्या होता है ये आपका होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स क्यूब, कितना होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी हो जाएगा। जब कंपेयर करोगे तो यहाँ से ए की वैल्यू 1 मिल जाएगी, बी की वैल्यू माइनस का 4 मिल जाएगी, सी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपकी, माइनस का 3 मिल जाएगी, और डी की वैल्यू आपकी 12 मिल जाएगी। भाई इतना लिख दोगे ना तो एग्जामिनर मतलब किसी के बाप नंबर आपके यहाँ नहीं काट सकते हैं, लेकिन आप लोग लिखते नहीं हो। ये बेटा फॉर्मूला जैसे आप लगाओगे यहाँ पर, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आपकी हो जाएगी, भाई देखो यहाँ अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का रूट 3 आ जाइए, प्लस का रूट 3 आ जाएगा। बीटा की वैल्यू माइनस का रूट 3 आपका आ जाएगा ठीक है। गामा की वैल्यू हमने एक्स मानी, तो आपका गामा की वैल्यू आपकी एक्स हो जाएगी। अब यहाँ देखो बी की वैल्यू माइनस का 4 है ठीक है, तो बी पहले से माइनस है, ये माइनस का 4 आपका आ जाएगा, और ए की वैल्यू 1 है, तो आपका ये 1 आपका ऐसे यहाँ पर इसके अपान में 1 यहाँ पर ऐसे लिख दो ठीक है। अब देखो ये प्लस का रूट 3 माइनस आपस में कट जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस का 4 आपका आ जाएगा, यही आप गामा की वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो तीसरा जीरो क्या क्या आपका आ जाएगा, भाई 2 जीरो आपको दे रखे थे, तो थर्ड वाला आपका आ जाएगा, प्लस का 4 आपका आ जाएगा। सही से लिख लो, ना बोलेंगे सर आप सही से लिखते नहीं ठीक। बाकी अगर अच्छी राइटिंग वाले मैथ के अच्छे टीचर होते तो आप हर अच्छी राइटिंग वाला मैथ का अच्छा टीचर होता, ताना मारे ठीक। अब यहाँ देखो सर ये कितना आपका आ जाएगा, गामा की वैल्यू 4 आपकी आ जाएगी। देखो हम तीसरा हमें रूट यहाँ पर मिल जाएगा, छोटा सा क्वेश्चन मैंने इसको सॉल्व कर दिया। भाई ये क्वेश्चन आपका एक या दो नंबर में क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग ऐसे इसको निपटा दोगे ठीक। अब यहाँ देखो अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, फर्स्ट वाला आपको समझ में आ गया होगा, सेकंड की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देखो ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की अगर बात हम करते हैं यहाँ पर है, तो क्वेश्चन सेकंड का कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन सेकंड नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में आ गया आपने पहले नहीं लगाए हैं तो छींके आना संभव है, मतलब छींके आपकी आ ही जाएंगे। तो कह रहा है इफ जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल, हमको ये पॉलीनोमियल दे रखा है, तो आपको पता है क्यूबिक पॉलीनोमियल आपका यहाँ पर दे रखा है, तो देखने से ही क्यूबिक की शक्ल इसकी अलग रही है।
तो एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का आपका 1 आ जाएगा। ठीक, और जब इसको कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू कितनी निकलेगी आपकी, 1 निकलेगी। ठीक है, b की वैल्यू माइनस का 3 निकलेगी, c की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी और d की वैल्यू आपकी यहाँ पर आपकी 1 आ जाएगी। ठीक है, अब देखो अल्फा, देखो हमको यहाँ 3 जीरो यहाँ दे रखे हैं, ये 3 हमको दे रखे हैं। पहला आपका जीरो क्या हो जाएगा, बात करते अगर हैं तो अल्फा की वैल्यू कितनी हमको यहाँ दे रखी है, ए माइनस का बी दे रखी है। ठीक है, बीटा की वैल्यू हमको यहाँ दे रखी है, बीटा की वैल्यू मान लो ए दे रखी है, और गामा की वैल्यू हमको ए प्लस का बी यहाँ पर दे रखा है। इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं होनी चाहिए। हमसे कह रहा है यार ए की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी। तो देखो हम 3 फॉर्मूले के पता है इसको यहाँ पर यूज करेंगे। पर बात करते हैं सम ऑफ जीरोस की, बात करते हैं। अगर सम ऑफ जीरोस की बात करोगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आपका आ जाएगा, माइनस का बी अपान का ये आ जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का ए माइनस का बी आ जाएगी, बीटा की वैल्यू प्लस का ए आ जाएगा, और गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नीचे लिखते हैं अल्फा की वैल्यू ए माइनस का बी आ जाएगी। ठीक है, बीटा की वैल्यू माइनस प्लस का ए आ जाएगा, गामा की वैल्यू ए प्लस का कितना आ जाएगा, गामा की वैल्यू ए प्लस का आपका बी आ जाएगा। और ये देखो भाई, देखो माइनस बी प्लस बी आपस में स्वाहा हो जाएंगे, ए ए ए कितना आपका आ जाएगा, आपका 3 आ जाएगा। भाई ए प्लस ए प्लस ए, हमने हिंदी में ए बोल दिया ना, बेगाना ए गाना है क्या, कोई गाना नहीं है ए। अब देखो माइनस की बी बी की वैल्यू माइनस 3 रखी है, तो आपका माइनस यहाँ पर भी माइनस आपका लगा है, तो आपका प्लस आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा, ए की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। अब यहाँ देखो 3 ए यहाँ आपका 3 रहेगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू हमारी यहाँ से बेटा 1 आ जाएगी। इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं होनी चाहिए। अब देखो अगर हम सेकेंड इस बार सेकेंड फॉर्मूले बात करते हैं, अगर बात करते हैं मल्टीपल ऑफ जीरोस की, बात करते हैं यहाँ पर मल्टीपल ऑफ जीरोस की, बात करते हैं यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, ये आपका सी अपान का ए आ जाएगा। अब देखो अल्फा की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो। ठीक, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा डेल्टा से इसको ना लगाया कर, तो देखो इसको नहीं लगाएंगे मजा नहीं आएगा। इसको अगर बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, बात करते हैं वो काफी बड़ा हो जाएगा। ये कितना जाएगा आपका, माइनस का डी अपान का ए, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब देखो बात करते हैं तो अल्फा इंटू बीटा इंटू आपका गामा आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपका आ जाएगा। और जब माइनस डी की बात करोगे तो माइनस डी के अंदर माइनस का 1 आ जाएगा, और ए की वैल्यू भी आपके यहाँ पर 1 रहेगी, तो माइनस 1 अपान 1 आपका आपका माइनस का 1 रहेगा। अल्फा की वैल्यू कितनी जाएगी, ए माइनस का बी आ जाएगा, बीटा की वैल्यू आपकी ए आ जाएगी, और डेल्टा की वैल्यू कितनी जाएगी, डेल्टा की वैल्यू ए गामा की वैल्यू, अल्फा बीटा गामा को आ जाएगा ना, गामा की वैल्यू अल्फा प्लस का आपका बीटा आ जाएगा। ठीक, ये आपका माइनस का 1 रहेगा। अब ए की वैल्यू 1 निकली है, ठीक है, तो ये ए की जगह 1 हो जाएगा, 1 माइनस का बी आ जाएगा, फिर आपका ए की जगह 1 आ जाएगा, कितना जाएगा यहाँ क्या जाएगा भाई, इंटू में 1, बीच में ब्रैकेट में 1 लिखो ना लिखो, मतलब बात आपकी 1 मतलब अंडरस्टूड आपका हो जाएगा। ठीक, हमने यहाँ पे वाला 1 यहाँ पर नहीं लिखा है, आप लोग लिख लीजिएगा उसको। अब ए प्लस बी कितना जाएगा, 1 प्लस का आपका बी आ जाएगा, और आपका ये माइनस का 1 आ जाएगा। अब देखो बेटा ये ए प्लस बी ए माइनस लिखा हुआ है, तो इसकी शक्ल देखो ऐसे लग, आपको ऐसे शक्ल इसकी मिल रही होगी, ये आप लोग 10 से 10 करोड़ साल पहले फॉर्मूला ये वाला आप लोग पढ़ रहे होंगे। ठीक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपका होता है ए प्लस बी ए माइनस बी आपका फॉर्मूला यहाँ पर ये होता है, तो इसकी शक्ल तो यहाँ मिल जाएगी। तो जाएगा आपका कितना जाएगा, ये 1 का स्क्वायर माइनस कितना जाएगा, ये बी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर आपका माइनस का 1 रहेगा। अब देखो ये भाई साहब जब इस साइड जाएंगे, इधर देखो इधर, तो ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब देखो माइनस का बी स्क्वायर जब दाई हो जाएगा तो कितना आपका जाएगा, ये आपका प्लस का बी स्क्वायर आ जाएगा, जब माइनस का 1 जब बाई हो जाएगा तो आपका प्लस का 1 आ जाएगा, तो बी स्क्वायर की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी, या बी की वैल्यू कितनी जाएगी, अंडर रूट आपकी 2 आ जाएगी। देखो ए और बी की वैल्यू हमको मिल जाएंगी, तो ए की वैल्यू कितनी जाएगी, अंडर रूट आपका ये 2 आ जाएगा, बी की वैल्यू ना सॉरी, बी की वैल्यू कितनी जाएगी, अंडर रूट आपका 2 आ जाएगा। भाई रात के 2 बजे सवाल चल रहा है, नींद लगी है, लेकिन क्या करें ना, अब जब पैशन है तो मजा आती पढ़ाने में, तो अच्छा लगता है, तो ज़्यादा रात के 2 बजे या 4 बजे हूँ, लेकिन हल्का हल्का नींद आँखें लगती है ही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटा ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों पे टिक कर लो, एग्जाम में अगर आ जाएगा तो दिक्कत आप लोग को यहाँ पर हो जाएगी, और आपको आने चाहिए सवाल यार, ये सब पॉलीनोमियल क्वाड्रेटिक फ्री नंबर होता है क्वेश्चन एग्जाम में,
बाकी ठीक है, आप लोग पढ़ते रहो, और देखो लाइक शेयर मत किया करो, खाली पढ़ लो, खाली बस पढ़ लो। और अगर यहाँ से आपको देखो, अगर मैं इतना पढ़ाता हूँ, अगर आपको एक चीज़ भी, अगर मैं आपको एक भी चीज़ समझा पाता हूँ ना, तो ये मेरा सौभाग्य होगा कि मुझसे अगर आप एक चीज़ समझ में आपको आती है। बाकी ठीक है यार, दुनिया तो किसी को नहीं छोड़ती है, तो हम तो इंसान है ना, तो ऐसे ही पढ़ते रहो, मस्त रहो, मस्त रहो, और मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।